हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माउंट आबू में कार्यक्रम में भाग लेने जाते समय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी शंकर सिंह सरकार ने सिरोही के बनास सर्कल पर एक निजी होटल पर स्वागत किया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने राजपूत समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अब समय आ गया है जो राजपूत समाज ने कहा वो करने का। वहीं उन्होंने यह भी समाज के लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया। आज माउंट आबू में प्रोग्राम था, यहाँ स्वागत हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि आपने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया, इसलिए स्वागत किया गया है। इन युवाओं की ताकत और इनका साथ सहयोग ही मेरी ताकत है। जो भारत सरकार को फारूक अब्दुल्ला ने चैलेंज किया था कि आप पाक शासित कश्मीर की बात करते हो, आप कश्मीर के लाल चौक में तो पहले तिरंगा फिरा करके दिखा दो, किसी भारत के माई के लाल में हिम्मत है तो। उसको हमने स्वीकार किया था और हमने 15 अगस्त को कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फिरा दिया। और हमने भी चैलेंज किया था कि फारूक अब्दुल्ला तू वहाँ मिलना, खाता भारत की है और गुणगान विदेशों की करता है, इसलिए एक चांटा तो तेरे लिए भी बनता है। और वो वहाँ मिला नहीं, इसलिए वो पेंडिंग है। और हमने तिरंगा फिरा करके ये सिद्ध कर दिया कि तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी बान है, तिरंगा हमारी शान है। भारत माता की जय हो। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।